पहली बात मुसलमान रियासत की ये इस्लामी रियासत की जिम्मेदारी है अकीदाए तौहीद की दावत दे, प्रचार करे, और उसके साथ साथ जो लोग हमारे अकीदे को नहीं मानते उनको भी बर्दाश्त करे, उनको भी बर्दाश्त करें। चर्च में रहे, गिरजे में रहे, मंदिर में रहे, माबद में रहे, करता रहे पूजा, हम दावत देते रहेंगे लेकिन जबर नहीं करेंगे। लेकिन ये कोई भाईचारा नहीं, इंसानी भाईचारा। इंसानी भाईचारा बाद में है, इस्लामी भाईचारा पहले है। लेकिन आज कहते हैं इंसानियत ऊपर है, मजहब नीचे है, ये गलत बात है। मजहब ऊपर है, इंसानियत नीचे है। जो अल्लाह को नहीं मानता उससे हमारी हमदर्दी बाद में है, जो अल्लाह को मानता उससे हमारी हमदर्दी पहले है। इंसानियत, इंसान इंसान बन ही नहीं सकता जब तक वो मजहब को नहीं मानता। लोग कहते हैं यार इंसानी भाईचारा होना चाहिए, इंसानी होना चाहिए, हम भी मानते हैं, लेकिन इस्लामी भाईचारा पहले है, इंसानी भाईचारा दूसरे नंबर पे है। हजरात ग्रामी कदर याद रखिए, मुसलमान के शयाने शान नहीं कि वो क्रिसमस में शरीक हो, होली में शरीक हो, दीगर गंदे त्योहारों में शरीक हो, उनको मजबूत करे, उनके अकीदे के ऊपर मोहर को लगाए। अगर अपने बच्चों को बचाना है, अपनी बच्चियों को बचाना है, अपनी बहनों को बचाना है, अपनी बेटियों को बचाना है, अपने बेटों को बचाना है, एक ही तरीका है, हमारा अकीदा अपना, तुम्हारा अपना। ला बुदू माताबुदून, तुम उसकी पूजा करो, हम इसकी पूजा करते हैं। तुम ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह मानो, हम अकेले अल्लाह को अल्लाह मानते हैं। तुम हनुमान को अल्लाह मानो, हम अकेले अल्लाह को अल्लाह मानते हैं। यह दावत है जो इस्लामी रियासत की जिम्मेदारी है, और इस दावत का कयाम, इसको यकीनी बनाने के लिए मेहनत करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? अंबिया ने की है, साहबा ने की है। नबी अलैहिस्सलाम ने क्या किया? अल्लाह ने फतह दे दी, काबतुल्लाह में आए, आपने बुत छोड़े, आपने बुत बाकी रखे, आपने सैयद नाली अल मुर्तदा को अपने कंधे पर चढ़ा के कहा सारे बुत तोड़ डालो। उन बुतों में हजरत इब्राहिम का बुत भी था, सैयदना इस्माइल का बुत भी था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना इब्राहिम के बुत को भी नहीं छोड़ा, सैयदना इस्माइल के बुत को भी नहीं छोड़ा। और बुत तोड़े कि नहीं तोड़े, तो हमें भी बुतों को तोड़ने की जरूरत है।